NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara Beta. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बिहार हमेशा से दो कारणों से देश की सुर्खियों में रहता है, पहला राजनीतिक कारण है तो दूसरा नक्सलियों के कारण। जी हाँ, शुक्रवार को ही लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार थम गया और 19 मई को अब यहाँ अंतिम चरण का मतदान होगा। लेकिन खबर दूसरी है, खबर है कि बिहार के गया में एक बार फिर नक्सलियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई है। जिले के नक्सल प्रभावित इमामगंज प्रखंड के लुटुआ नौवा गढ़ जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया है। मारे गए नक्सली के पास से एक AK-47 भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग खड़े हुए हैं। हालांकि नक्सलियों के भाग खड़े होने के बाद कोबरा 205 के जवान जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सलियों का दस्ता जंगल में किसी घटना को अंजाम देने के लिए ठहरा हुआ है, जिसके बाद कोबरा जवानों को नक्सलियों को दबोचने के लिए जंगल की ओर भेजा गया था। शनिवार सुबह जब नक्सलियों ने पुलिस बल को देखा तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने नक्सलियों पर जब गोलीबारी शुरू की तो नक्सली भागने लगे। इस बीच पुलिस की गोली से एक नक्सली घटनास्थल पर ही मारा गया है। गया के SSP अभियान राजीव मिश्रा ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है, जिसके पास से हथियार बरामद किया गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन यह तो कहा ही जा सकता है कि नक्सलियों ने एक बार फिर से दहशत कायम करने की कोशिश की है। सिटी पोस्ट लाइव के लिए मैं JP चंद्रा। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, BP जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ECG करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।